डेट एंड टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक साथ कैसे आएगा? कई वीडियोस में आपने देखा होगा और यही सवाल हमारे स्टूडेंट का भी है, तो शायद आपके साथ भी कहीं दिक्कत आती हो अगर आप बिगिनर हो तो, बहुत बिगिनर लेवल पे हैं और एक्सेस आपने सीखना शुरू किया है तो ऐसे में दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आज के वीडियो में यही सीखेंगे। तो यहां पर ब्लैंक डेटाबेस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। जब ओपन करेंगे एक्सेस तो ये ब्लैंक डेटाबेस आपको दिखाई पड़ेगा और फिर यहां से क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक। तो अभी हमें क्या करना है, यहां पर आपको दो व्यूज दिखाई पड़ेंगे, एक डिजाइन व्यू एक डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू में चलिए, यहां से टेबल वन नाम रहने देते हैं, आप चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं। अब यहां पर ऑटो नंबर दिख रहा है आपको, यहां पर हम ऑटो नंबर के बजाय रख देते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, और ये आईडी आ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या करता हूं, यहां पर आईडी के बजाय मैं कर देता हूं एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने एम्प्लॉई आईडी, ये हो गया शॉर्ट टेक्स्ट। और फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कर दूंगा डेट, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने डेट, और डेट का डेटा टाइप जो है शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। ये ध्यान दीजिएगा आप, ये शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया हमने। अब इसी पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहीं पर स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि अब जैसे डेट है तो यहां पर क्या रखें हम, जैसे मान लीजिए अगर डेट एंड टाइम ले लेते हैं, आप देखिए डेट एंड टाइम अगर लेते हैं तो क्या होगा, डेट एंड टाइम ले लिया और यहां पर ओके कर दिया, यहां पर ओके कर दिया, तो ये अगर एम्प्लॉई आईडी आप डालते हैं तो यहां पे डेट एंड टाइम दोनों नहीं आएगा, लिखा जरूर है डेट एंड टाइम लेकिन दोनों नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए एम्प्लॉई आईडी लिख देता हूं मैं 12, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर अगर डेट आप चूज करते हो, कैलेंडर से डेट आप चूज करते हो जो भी डेट है, तो यहां पर देखिए यहां पर टाइम भी साथ में नहीं आ रहा है, हमें टाइम भी साथ में चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो चिंता मत कीजिए, बस देखते रहिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है नीचे आइए, यहां पर जनरल और लुकअप दो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। यहां पर आपको डिफॉल्ट वैल्यू में आना है, डिफॉल्ट वैल्यू में आने के बाद इज इक्वल टू का निशान लगाइए और दे दीजिए यहां पे नाउ, ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला है और डिफॉल्ट वैल्यू में मैंने नाउ लगा दिया है। अब ये करेगा क्या कि आपको करेंट डेट और टाइम दोनों बताएगा, ठीक है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक किया तो ये देखिए ये आपको करंट डेट और टाइम दोनों बता रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये करंट डेट भी बता रहा है और टाइम भी बता रहा है, ओके। तो इसी तरीके से जब हम ये बनाना शुरू करेंगे तो उसी वक्त यहाँ पे नाउ लगा देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और हर एक कॉलम में जैसे यहाँ पे 13 कर दिया मैंने, फिर नीचे आया, अब देखिए यहां पर भी आ रहा है और यहां नीचे भी आएगा। अब यहां कर दिया मैंने 14, ठीक है, तो यहाँ नीचे भी आ गया। अब देखिए डेट और टाइम दोनों आ रहा है। अब देखिए कितना बज रहा है, देखिए ये नीचे देखिए 18:07 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डेट एंड टाइम दोनों लेके आ सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। अब यहाँ 15 लिखा हमने तो यहाँ भी करंट डेट एंड टाइम दोनों आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप करंट डेट और टाइम दोनों आ रहा है। 16/5/2021 है, देखिए 16/5/2021 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे ये नाउ फॉर्मूला काम करेगा और करेंट डेट एंड टाइम दोनों लेकर के कैसे आ सकते हैं। अब सेकंड भी बता रहा है, देखिए ना सेकंड भी बता रहा है, और जैसे यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे ना तो सेकंड सब रिफ्रेश होता जाएगा, देखिए 41, 42, 43, ये देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है, जैसे रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश भी होता चला जाएगा, सेकंड वाला भी रिफ्रेश होगा, देखिए 46 है ना, अभी देखिएगा रिफ्रेश करता हूं तो ये क्या हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा डेटा रिफ्रेश भी हो जाएगा आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।